ईरान को पुतिन भले ही बचाए या ना बचाए, लेकिन उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्राइमिया बचाने का है, क्योंकि खर्सौन के बाद पुतिन की फौज बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी है। कैसे देखिए, यूक्रेन जंग में आया टर्निंग पॉइंट। खेरसोन पता से जेलेंस्की का जोश हाई। खेरसोन हार से बौखलाए पुतिन। पुतिन का आखिरी वार, जंग जिताएगी ज़िरकॉन। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जोर का झटका भी जरा जोर से ही लगा है। रूस यूक्रेन के खेरसोन में जंग हार चुका है। पूरी दुनिया यूक्रेन के खेरसोन फतह को जंग का एक टर्निंग पॉइंट मान रही है। जाहिर सी बात है कि खेरसोन हारने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन जंग के 9 महीनों के दौरान रूस यूक्रेन की फौज के खिलाफ परमाणु हथियारों को छोड़कर अपने हर खतरनाक हथियार को आजमा कर देख चुका है। बावजूद इसके रूस को अभी तक यूक्रेन में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद उसे थी। ऐसे सूरत हाल में रूसी सेना का खेरसोन हारने का मतलब है कि अब रूस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। लिहाजा अब राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसोन की हार का बदला लेने के लिए यूक्रेन जंग के दौरान अपने तर्कश के आखिरी हथियार को आजमाने का फरमान सुना दिया है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति पुतिन अपने किस हथियार से यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी में है, उससे पहले आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि रूस को खेरसोन में मिली हार को आखिर क्यों इस जंग का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। खेरसोन शहर में आती यूक्रेन सेना की गाड़ियां, खेरसोन के लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाता यूक्रेन सेना का एक जवान, मोटरसाइकिल पर यूक्रेन के झंडे लगाकर शहर में घूमता एक नौजवान, और खेरसोन को छोड़कर जाने के बाद रूसी हथियारों के जखीरे का निरीक्षण करते यूक्रेन की फौज के अधिकारी। ये वो तस्वीरें हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि खेरसोन शहर को रूस की सेना छोड़कर जा चुकी है। दरअसल खेरसोन के ज्यादातर इलाके पर रूस ने यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही कब्जा कर लिया था, लिहाजा रूसी सेना के खेरसोन छोड़कर जाने के बाद शहर के लोगों के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी जोश हाई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक खेरसोन शहर को छोड़ने से पहले रूसी फौज ने शहर में जगह जगह लैंड माइंस और बूबी ट्रैप्स बिछा दिए हैं। станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль
Більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди, на звільненій території, дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо, повірте. Хоч для цього потрібен і час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसोन फतह के लिए यूक्रेन की फौज के हर एक जवान और अधिकारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब वो बहुत जल्द ही रूस के कब्जे से यूक्रेन के हर इलाके को आजाद करवाएंगे। Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість. І я приєднуюсь до подяк і бажань, які вже отримали від херсонців наші бійці 28-ї, 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці сил спеціальних операцій, нацгвардійці. Молодці. Дякую всім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсону. Буде так в Генічеську і в Мелітополі. Прийдемо до всіх наших міст і сіл Донбасу обов'язково. Обов'язково побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, як і там зберігають, які там сотнями будуть на вулицях в день звільнення.